मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज जनपद पंचायत के नवनिर्मित ग्राम पंचायत ससली में महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश की गई, जहां बकरी चराने वाली दलित गरीब सुलोचना बाई को ग्राम पंचायत की सरपंच सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना गया। तो वहीं ग्राम पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं, 10 ही वार्ड से महिला पंचों को भी निर्विरोध चुना गया। ग्राम पंचायत ससली महिला सशक्तिकरण के साथ समरस पंचायत होने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि ग्राम ससली सीहोर जिले का ऐसा पहला गांव है जो धुआं मुक्त घोषित हो चुका है, जिस पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाँव को धुआं मुक्त होने पर विशेष पुरस्कार भी दिया था। ग्रामीणों के प्रयास के ही कारण आज गांव को समरस पंचायत व महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण माना जाता है। वहीं मीडिया से बात करने पर निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंच सुलोचना देवी ने बताया कि वह मजदूरी करती हैं, 3 घरों की बकरी चराती हैं और आगे भी परिवार का पालन पोषण के लिए बकरियां चराती रहेंगी। वहीं सरपंच के पद पर रहकर गरीब मजदूरों के लिए भी काम करती रहूंगी, उन्हें आवास, शौचालय और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ दिलाती रहूंगी। विराट 24 के लिए नसरुल्लागंज से पवन माहेश्वरी की रिपोर्ट। खुशी होती है, आएगी जो सब हक हम दिलवाएंगे खुशी, और भी कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपकी क्या क्या कार्य योजना है, जिस प्रकार अभी गांव में जो काम नहीं हुआ उनको करने के संबंध में? अभी काम तो बहुत दिख रहा है, रोड बनवाना है और उधर पीछे गली है उसको भी सही करवाना है, और खुटी आएगी खुटी भी दिलवाएंगे। जिस प्रकार गांव में इतना बड़ा गांव है, शौचालय सबको यहाँ पर्याप्त मिल गया कि उनके लिए कुछ? आप अभी कहाँ मिला, अभी नहीं मिला, जिनको नहीं मिले उनको दिलवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में समरस पंचायत बनाने का, तो वो काम हमारे ग्राम ससली ने किया है। महिलाओं को ही हमने पंच वार्ड बनाया है और महिला को ही हमने सरपंच बनाया है और हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जिस प्रकार जो पिछले सत्र में विकास का रह गए थे, अभी क्या कार्य योजना है जो आप आगामी सत्र में करवाना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों कार्य करवाए हैं हमारे गांव में, और अगर कुछ बचे हुए विकास कार्य है वो हमारी महिला सरपंच जो भावी सुलोचना जी बनी है वो विकास के समस्त काम करवाएंगे।